हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, आज हम क्या इंग्लिश में एक नई क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले आपने देखा होगा कि वी हैव बीन लर्निंग सो मेनी क्लासेस डेली विदाउट फेल। रोज आपको एक नई क्लास मिल रही है, नया स्ट्रक्चर मिल रहा है एंड यू मस्ट बी इंजॉइंग दैट। आप उसको मज़े से सीख भी रहे होगे एंड प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, क्योंकि गाइज जो हमारा एक प्रोग्राम होता है स्पोकन इंग्लिश का, हो चाहे वो फ्रेंच स्पोकन इंग्लिश का हो, चाहे आपका कंप्यूटर कोर्स हो, हर चीज़ को एक तरीके से डिज़ाइन किया जाता है बच्चों की मेंटली पावर के अकॉर्डिंग कि वो कितना सीख सकते हैं एक दिन में। गाइज सोचिए, अगर मैं आपको किताब में से पढ़ के आपको 4, 6, 10 स्ट्रक्चर्स एक बार सिखा दूं, तो क्या आप उसमें से कोई भी सीख पाएंगे या बोल पाएंगे? आंसर होगा हमारा नहीं। हम नहीं, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। रीज़न यही होता है कि हमारा जो एक मेंटल स्टेटस है वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया को ही कैच कर पाता है, हमारा जो माइंड है वो कुछ चीज़ों को ही याद रख पाता है। हालांकि मान लेते हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में हो सकता हो आप बहुत सारे चैनल्स बार बार रिपीट करके चेंज करें, बट गाइज अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई अभी इससे पहले आपने कौन सा चैनल लगाया था और उससे पहले आपने कौन सा चैनल लगाया था, तो शायद आपका माइंड इतनी सब चीज़ों को याद ना रख पाए। इसी तरीके से गाइज हमारा एक मेंटल सिस्टम होता है कि हम किस तरीके से अपनी लर्निंग करते हैं। सो गाइज आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हमारे मम्मा पापा, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे ट्रेनर्स होते हैं, वो हमसे कहते हैं कि बेटा आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, और हमारा जवाब क्या होता है? भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ, या मैं अपना बिजनेस चलाना चाहता हूँ। सबके अपने अपने अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, बट गाइज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से हर वर्ड का मतलब अलग तरीके से निकालते हैं। जैसा कि अगर आप टारगेट्स की बात करें, एक छोटा सा ग्राफ बना के देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं हम। टारगेट मान लेते हैं, आपने बोला कि मैम मैं तो IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आपका टारगेट है डॉक्टर बनना, ठीक है? बट गाइज टारगेट आपका डॉक्टर बनना है, लेकिन जब आप उस टारगेट को अचीव करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। जैसा कि कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका पहला जो फोकस होगा वो होगा स्टडी, अपनी 12th स्टैंडर्ड क्लियर करना, उसके बाद आपकी अपने मेडिकल की तैयारी करना, या हो सकता हो आप किसी और स्ट्रीम में जाना चाहें तो आप उसकी तैयारी भी करने लगेंगे। मान लेते हैं आप अगर गवर्नमेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, तो गाइज आपका टारगेट होता है कि आप सबसे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें और उसके बाद कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करें। बट गाइज एग्जैक्टली टारगेट एंड फोकस में काफ़ी फर्क होता है। टारगेट होता है जो हमारा लंबे समय में हमें गेन करने को मिले। हो सकता हो टारगेट को अचीव करने के लिए आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल भी लग सकते हैं। बट अगर हम बात करें फोकस करने की, तो हम उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें फोकस करते हैं हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे से पूछेंगे कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, तो उसका जवाब होगा भाई मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ। बट क्या उसको पता है कि IAS बनने के लिए उसने किस किस चीज़ों को फोकस करना है? तो गाइस आज हम फोकस की बात करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ को एक सही तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं, अपनी लाइफ को एक फ्रेम में, गोल्डन फ्रेम में लगाने वाले हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा एंड फोर्थ स्टेप क्या होगा कोई भी आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। तो गाइज इसी से रिलेटेड आज हमारा स्ट्रक्चर है, देखते हैं क्या है। देखिए माय फोकस इज टू पास IAS। सो गाइज आपका जो अभी फोकस है किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट करना, अपने दिन का, अपनी लाइफ का, अपने वीक का, अपने मंथ का, अपने ईयर का एक बड़ा हिस्सा किसी चीज में डेडिकेट करना होता है हमारा फोकस करना। अगर हम अपने पापा की बात करें तो गाइज हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी लाइफ का पैसे को कमाने के लिए स्पेंड कर देते हैं, तो उनका जो फोकस होता है वो होता है टू अर्न मनी, ठीक है?
मॉम डैड का फोकस हो गया टू अर्न मनी, तो मम्मा अपने बारे में या पापा अपने बारे में बोलेंगे माय फोकस इज टू अर्न मनी। बट अगर आप किसी स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे कि भाई आपका फोकस क्या है, तो अब हो सकता है स्टूडेंट ट्वेल्थ की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो उसका जो फोकस होगा वो होगा अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के या टेंथ स्टैंडर्ड के एग्जाम्स को क्लियर करना। तो वो बोलेगा माई फोकस इज टू क्लियर एग्जामिनेशंस, राइट। अगर आप बात करेंगे एक हाउस वाइफ से कि आपका फोकस क्या है, तो वो टाइम देखेंगी और वो बोलेंगी कि भाई तुम्हारे पापा का आने का समय हो रहा है, मेरा फोकस अभी खाना बनाने पे है कि 9 बजे तक हमारा खाना बन जाना चाहिए। तो वो बोलेंगी माई फोकस इज टू प्रिपेयर फूड। सो गाइज, अगर फोकस की बात करें तो फोकस की डेफिनेशन इतनी जल्दी चेंज हो जाती है, जैसे ही हमारा एक टारगेट अचीव होगा हमारे फोकस की डेफिनेशन चेंज हो गई। मान लेते हैं आप घर से निकले, आपका टारगेट है कि आप सब्जी लेने जा रहे हो, तो आपका फोकस जो है वो फोकस उस रास्ते पे है जो रास्ता आपको सब्जी मंडी की तरफ लीड कर रहा है। और जब आपने सब्जी मंडी पहुंच गए और आपने सब्जी खरीद ली, उसके बाद तुरंत ही डेफिनेशन हमारी फोकस की चेंज हो जाती है और आपका फोकस हो जाता है वापस आना या किसी और काम को कंप्लीट करना। तो वो हमारा इस तरीके से फोकस की डेफिनेशंस को चेंज करता है। सो गाइज, मैं अपने बारे में बताऊं, लाइफ में बहुत सारे हमारे फोकस होते हैं, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होंगे कि वो एक बड़ा घर खरीद पाए, तो आप बोलेंगे My focus is to purchase a big house, right? अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो आप बोलेंगे My focus is to purchase a car. हो सकता हो guys, आप लोगों में से बहुत सारे लोग engagement होने वाली हो सकता हो, आप लोग कुछ ऐसा surprising करने वाले हो, अपनी parents के लिए surprise देने वाले हो और जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं my focus is to earn a lot of money and give surprise to my parents. हो सकता हो गाइज आपका फोकस एक अच्छी जॉब को अचीव करना हो, तो आप बोलेंगे माई फोकस इज टू गेट अ गुड जॉब। बहुत सारे लोगों का मन होगा कि भाई वो आईफोन खरीद लें, हो सकता हो वो अपना बोलेंगे कि मैम मैं तो अभी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी मंथली सैलरी में से थोड़ा सा अमाउंट बचाकर और मैं आईफोन खरीद लूँ। तो वो बोलेगा माई फोकस इज टू Purchase a iPhone. बहुत सारे लोगों का हो सकता हो स्टडी करने का मन हो abroad में, तो वो बोलेंगे मैम माई फोकस इज टू स्टडी abroad. बहुत सारे लोगों का फोकस होगा कि भाई वो विदेश में जाकर जॉब करें, तो वो बोलेंगे माई फोकस इज टू डू अ जॉब abroad. abroad का भी मतलब होता है विदेश, abroad. My focus is to study abroad. अगर आपका फोकस है कि आप आज शाम को डिनर प्लान करें, तो आप बोलेंगे My focus is to plan a dinner to my family. तो गाइस, सबके अलग अलग फोकसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है ये आपकी पर्सनल लाइफ पे डिपेंड करता हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे डिपेंड करता हो, फोकस की डेफिनेशंस चेंज होती रहती है। सॉरी तो गाइज, हम आज फोकस की ही बात करेंगे, हमें अपने फोकसेस बताने हैं कि हम किन किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तो अभी आपको ऐसे 10 चीज़ें बतानी है जिस पे आप अभी फोकस कर रहे हो, चाहे वो आपके पर्सनल गोल्स हों, चाहे वो आपके प्रोफेशनल गोल्स हों, चाहे वो आपके पब्लिक गोल्स हों, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने पर्सनल गोल्स रखते हैं कि भाई मुझे अपना जो अर्निंग अमाउंट करना है वो इतना करना है, मुझे अपना सैलरी लेवल करना है वो इतना करना है। तो यू हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, आपका यही यूज़ होगा माई फोकस इज़ टू, एंड यहाँ पे आप अपना एक्शन चेंज कर देंगे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, फॉर नाउ आई हैव टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।